हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम सामान्य जड़ के विभिन्न भाग, जड़ों के प्रकार और जड़ों के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। एक सामान्य जड़ सामान्यतः चार भागों में विभेदित होती है। पहला मूलगोप क्षेत्र यानी कि रूट कैप रीजन, दूसरा विभज्योतक कोशिकाओं का क्षेत्र यानी कि रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक सेल, तीसरा कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र यानी कि रीजन ऑफ सेल एलोंगेशन, और परिपक्वन क्षेत्र यानी कि मैचुरेशन रीजन। एक सामान्य जड़ टैप रूट यानी कि मूसला जड़ें जो रेडिकल से डेवलप होती है, उसमें समानता सबसे पहला जो रीजन दिखाई देता है वो मूलगोप रीजन दिखाई देता है, मूलगोप क्षेत्र दिखाई देता है। ये जड़ का सबसे शीर्ष भाग होता है, ये सबसे पहले शीर्ष भाग इसमें नीचे की तरफ दिखाई देता है। ये एक टोपी नुमा संरचना होती है, कैप लाइक संरचना होती है। तो जड़ का जो शीर्ष होता है, ये शीर्ष इस टोपी लाइक संरचना से घिरा रहता है, जिसे हम मूलगोप यानी कि रूट कैप कहते हैं। ये जो मूल गोप है, ये इसका जड़ का शीर्ष है। जो ये रूट कैप है, ये मृत कोशिकाओं यानी कि डेड सेल से मिलकर बना होता है, क्योंकि इसका मेन काम इस डेलिकेट कोमल नाजुक विभाजन वाले एरिया को, रूट के इस भाग को सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो इसलिए ये मृत कोशिकाओं का बना होता है। और जो वृद्धिशील जो विभज्योतक जड़ शीर्ष है, उसको ये सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा इसकी कुछ सेल्स जो होती हैं वो लिविंग भी होती हैं, और उसमें जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है यानी कि गोल्जी कॉय जो होता है, वो श्लेष्म यानी कि म्यूकुलेज स्रावित करता है, जिससे जो म्यूकुलेज होता है वो श्लेष्म जल और प्रोटीन को अवशोषित कर सकता है। इसलिए जब ये यहाँ पर म्यूकुलेज सिक्रीट कर देती हैं, श्लेष्म सिक्रीट कर देती हैं, तो यहाँ पर ये जल को अवशोषित करता है। तो इस मृदा में ये अब वाटर को यानी कि जल को अवशोषित करेगा, और जो मृदा का ये वाला पार्ट है जो इसके संपर्क में आएगा यहाँ पर, तो ये मृदा का जो भाग है इस जल के अवशोषित होने के कारण अब ये सॉफ्ट हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, जिससे इस रूट का नीचे की तरफ पेनिट्रेशन, नीचे की तरफ विभेदन, नीचे की तरफ प्रवेश सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि अब ये कोमल हो गया है, क्योंकि इसने म्यूकुलेज श्लेष्म श्रावित किया, और श्लेष्म श्रावित करने पर श्लेष्म ने जल अवशोषित किया, जल अवशोषित करने से यहाँ की जो मट्टी है, मृदा है, जल है, मट्टी है, मृदा, अब वो कोमल हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, डेलिकेट हो जाती है, जिससे अब इस रूट का नीचे की तरफ प्रवेश जो होता है वो सुगम हो जाता है। जलोद्भिद पादप जैसे पिस्टिया और हायसिंथ, इकार्निया में मूल गोप के स्थान पर मूल पॉकेट यानी कि रूट पॉकेट पाई जाती हैं। जलोद्भिद पादपों में, परजीवी पादपों में और माइकोराइजा में मूल गोप अनुपस्थित होते हैं। माइकोराइजा का मतलब क्या है? एक सहजीवी संबंध, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, विशेष रूप से जिम्नोस्पर्म्स तथा फंजाई यानी कि कवक, यानी कि उच्च पादपों, विशेष रूप से जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृतबीजी पादपों की जड़ों तथा फंजाई यानी कि कवकों के बीच में पाए जाने वाले सहजीवी संबंध को हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। तो माइकोराइजा में, परजीवी पादपों में और जलोद्भिद पादपों में भी मूल गोप नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। केवड़ा पेंडेनस की मूल यानी कि रूट में बहुल मूल गोप यानी कि मल्टीपल रूट कैप्स पाए जाते हैं। नॉर्मली एक ही रूट कैप होता है, लेकिन उसमें अनेक रूट कैप्स पाए जाते हैं। दूसरा क्षेत्र है, इससे आगे का जो क्षेत्र होता है वो रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक सेल यानी कि विभज्योतक कोशिकाओं का क्षेत्र यानी कि कोशिका विभाजन क्षेत्र। यहाँ की जो सेल्स होती है वो मेरिस्टमैटिक होती है, विभज्योतक होती है, वो लगातार विभाजित होती रहती हैं,
और इस क्षेत्र की जो सेल्स होती है वो पतली भित्ति वाली होती है, मृदूतक यानी कि पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, और वो मेरिस्टमेटिक सेल्स जो होती हैं वो विभज्योतक ऊतक जो होता है वो लगातार विभाजन करती रहती हैं, जिससे जड़ की वृद्धि के लिए ये उत्तरदायी होती है। इससे बेसल पार्ट जो है सबसे शीर्ष भाग है, उससे और निकट का जो भाग होता है वो कोशिका दीर्घ क्षेत्र होता है, यानी कि रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन होता है। इस क्षेत्र की जो सेल्स होती है उनकी सेल्स में लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है, जिसके कारण जड़ की लंबाई में वृद्धि होती है, और इस क्षेत्र की सेल्स का प्रमुख कार्य मृदा से खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है। तो ये रीजन जो होता है खनिज लवणों को अवशोषित करने के लिए उत्तरदायी होता है। मैचुरेशन से जो क्षेत्र है यानी कि परिपक्व क्षेत्र जो है वो इसका लास्ट पार्ट है, जिसमें परिपक्व विभेदित यानी कि डिफ्रेंशिएटेड सेल्स से बना होता है। इस क्षेत्र का जो संबंध है वो चार कार्य से होता है। नंबर वन, पार्श्व जड़ों का उद्भव इंपॉर्टेंट है, लेटरल रूट्स का ओरिजन कहाँ से होता है, मैचुरेशन जोन से होता है। द्वित, और वो भी किससे होता है, बेसिकली पेरिसाइकल से होता है, परिरंभ से होता है। द्व्युतक वृद्धि के लिए ये उत्तरदायी होता है, और जाइलम यानी कि दारु और फ्लोयम के विभेदन के लिए उत्तरदायी होता है, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है वो मूल रोम का निर्माण करना होता है। कुछ किताबों में मूल रोम क्षेत्र अलग लिखा हुआ है और परिपक्व क्षेत्र अलग लिखा हुआ है, लेकिन अधिकांशतः मूल रोम क्षेत्र में ही जो मूल रोम का जो निर्माण होता है वो परिपक्व क्षेत्र में होता है, अर्थात परिपक्व क्षेत्र के अंदर मूल रोम होते हैं, मूल रोम क्षेत्र अलग नहीं होता है। मूल रोम एक एक कोशिकीय संरचना होते हैं, हमेशा एक ही सेल होती है, सिंगल सेल्ड होते हैं, और इनका प्रमुख कार्य क्या होता है, जल का अवशोषण करना होता है। जलीय पादपों में मूल रोम यानी कि रूट हेयर प्रायः अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि जो इनकी बॉडी जो होती है उनकी पूरी बॉडी ही एब्सॉर्प्शन का अवशोषण का कार्य करती है, इसलिए सामान्यतः जलीय पादपों में मूल रोम नहीं पाए जाते, अनुपस्थित होते हैं। अब हम जड़ तंत्र के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उद्भव के आधार पर यानी कि ओरिजन के आधार पर जो रूट तंत्र है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है, मूसला जड़े यानी कि टैप रूट सिस्टम यानी कि मूसला जड़ तंत्र, और अपस्थानिक जड़े यानी कि एडवेंटिशियस रूट्स। वे जड़े जो भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होती है, अर्थात जिनका निर्माण भ्रूण का मूलांकुर करता है, रेडिकल करता है, क्या कहलाती है, टैप रूट कहलाती हैं। ये टैप रूट जो सबसे पहले बनती हैं, जो मूलांकुर से विकसित होने वाली सबसे पहली रूट्स होती हैं, उन्हें हम प्राथमिक जड़ें यानी कि प्राइमरी रूट्स कहते हैं। प्राइमरी रूट्स से पार्श्व जड़ें निकलती हैं जिन्हें हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं यानी कि द्वितीयक जड़ें कहते हैं। द्वितीयक जड़ें से पार्श्व जड़ें जो निकलती हैं उन्हें तृतीयक जड़ें और आदि आगे तक कह सकते हैं इन्हें। और इन सब का जो सिस्टम होता है, प्राथमिक सेकेंडरी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक जड़ों आदि का जो सिस्टम होता है, तंत्र होता है, हम उसे बोलते हैं मूसला जड़ तंत्र यानी कि टैप रूट सिस्टम। यानी कि जो मूसला जड़ें होती हैं, टैप रूट्स होती हैं, वो एम्ब्रियो के रेडिकल से विकसित होती हैं, मूलांकुर से विकसित होती हैं, और जो सबसे पहले बनती है वो प्राथमिक, उससे जो विकसित होती है वो सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक, और जो द्वितीयक से विकसित होती है वो तृतीयक, और सभी मिलकर क्या बनाती है, टैप रूट सिस्टम बनाती हैं। लेकिन जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, तो कुछ पादपों में जो जड़ों का जो निर्माण होता है वो मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य पार्ट से होता है। तो ऐसी जड़ें जिनका निर्माण मूलांकुर से नहीं होता है, रेडिकल से नहीं होता है, बल्कि पादप के किसी अन्य भाग से होता है, वो जड़ें कहलाती हैं अपस्थानिक जड़ें यानी कि एडवेंटिशियस रूट्स, यानी कि वे रूट्स जिनका निर्माण मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के किसी भी भाग से हो, लेकिन रेडिकल से ना हो, मूलांकुर से ना हो, क्या कहलाती है, एडवेंटिशियस जड़ें कहलाती हैं। ये एडवेंटिशियस रूट्स जड़ें जो होती हैं यानी कि अपस्थानिक जड़ें, ये तीन प्रकार की होती हैं, झकड़ा जड़ें यानी कि फाइब्रस रूट, पर्णमूल यानी कि फोलियर रूट्स, और तीसरी सत्य अपस्थानिक जड़ें यानी कि ट्रू एडवेंटिशियस रूट्स। झकड़ा जड़ें, इनमें इन पादपों में जो प्राथमिक जड़ें होती हैं,
प्राइमरी रूट्स होती है वो कम समय तक जीवित रहती है, यानी कि अल्प अवधि तक वो जीवित रहती हैं और उसके बाद वो नष्ट होने लगती हैं। लेकिन उनके नष्ट होने से पहले तने के आधार से, जहाँ तना सबस्ट्रेटम से आधार से लगा हुआ होता है, उसके उस भाग के आसपास से यानी कि आधार से तंतुरूपी पतली यानी कि सिलेंडर थ्रेड लाइक जड़ें समूहों में निकलती हैं, क्लस्टर्स में निकलती हैं, ग्रुप्स में निकलती हैं। और ऐसी जड़ें क्या कहलाती हैं? फाइब्रस यानी कि झकड़ा जड़ें कहलाती हैं। जैसे गेहूं में ट्रिटिकम वुलगेर के अंदर, प्याज यानी कि एलियम सेपा के अंदर, और चावल आदि में झकड़ा जड़ें यानी कि फाइब्रस रूट्स पाई जाती हैं। इसके बाद पर्णमूल फोलियर रूट्स, फोलियर वर्ड जो होता है वो लीफ के लिए लगाते हैं, पत्ती के लिए लगाते हैं। इसलिए हमें याद क्या रखना है कि जो पत्तियों से जड़ें विकसित होंगी उन्हें क्या बोलेंगे हम? पर्णमूल, यानी कि पत्तियों पर स्थित पर्ण कलिकाओं से, पर्ण मतलब लीफ की जो बर्ड्स होती हैं, लीफ बर्ड से जो रूट्स विकसित होती हैं उन रूट्स को हम क्या बोलते हैं? फोलियर रूट्स यानी कि पर्णमूल कहते हैं। और इनका जो एग्जाम्पल है वो है रबड़ पादप यानी कि रबड़ प्लांट और ब्रायोफाइलम। सत्य अपस्थानिक जड़ें यानी कि ट्रू एडवेंटिशियस रूट्स कौन सी होती है? जो तने के पर्व यानी कि नोड और इंटर नोड से विकसित हो। तो जो तने के नोड अथवा इंटर नोड से विकसित होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ट्रू एडवेंटिशियस रूट्स। जैसे बरगद में, पोथोज में, मक्का आदि में जो रूट्स होती है वो सत्य अपस्थानिक जड़ें यानी कि ट्रू एडवेंटिशियस रूट्स होती है। अब हम जड़ों के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। जड़ बेसिकली दो प्रकार के कार्य करते हैं, एक प्राथमिक कार्य, एक द्वितीयक कार्य। प्राथमिक कार्य जो जड़ों के मुख्य कार्य होते हैं, जड़ों के आम कार्य होते हैं, सामान्य कार्य होते हैं, हम उन्हें प्राथमिक कार्य बोलते हैं, जो सामान्यतः जड़ें करती हैं। लेकिन कुछ विशिष्ट एग्जाम्पल्स में, उदाहरण्स में, जो रूट्स होती हैं, जड़ होती हैं, वो पादप की आवश्यकता के अनुसार वो रूपांतरित हो जाती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं, और प्राथमिक कार्यों के अलावा कुछ अन्य कार्य परफॉर्म करने लगती हैं, कुछ अन्य कार्य करने लगती हैं। और ऐसे कार्य जो नॉर्मल कार्य नहीं होते, प्राथमिक कार्य नहीं होते हैं, और जड़ें जिन्हें रूपांतरित होने के बाद परफॉर्म करना स्टार्ट करती हैं, उन कार्यों को हम बोलते हैं द्वितीयक कार्य यानी कि सेकेंडरी फंक्शन। और जो उसके मेन काम होते हैं, जो सामान्य काम होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राथमिक कार्य यानी कि प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला जो फंक्शन है वो है अवशोषण। जो पादप है उनकी जो रूट्स होती हैं उनका सबसे प्रमुख कार्य क्या है? जल और खनिज लवणों का मृदा से अवशोषण करना। तो जो प्लांट होता है वो अपने लिए जल और अपने लिए खनिज लवणों का जो यूज़ करने के लिए, प्रयोग करने के लिए जो अवशोषण होता है वो मृदा से करते हैं। मृदा में जल और खनिज लवण उपस्थित होते हैं तो वो लवण और जल पादप अपने रूट्स की सहायता से एब्जॉर्ब करते हैं। रूट्स में जो जोन ऑफ इलोंगेशन था, दीर्घीकरण क्षेत्र था, उससे खनिज लवणों का अवशोषण होता है। और जबकि जो मूल रोम होते हैं यानी कि रूट हेयर्स होते हैं, उनसे जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। दूसरा है सहारा प्रदान करना, जो सपोर्ट प्रोवाइड करना। जड़ें जो होती हैं वो मृदा में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको जकड़ के रखती हैं, उनको पकड़ के रखती हैं, जिससे प्लांट को एंकोरेज मिलता है, सहारा मिलता है। और जो जड़ें होती हैं वो पादप को मृदा में स्थिर करके रखती हैं, जिससे उनका जो गिरना होता है वो रुक जाता है, वो मृदा के अंदर बहुत मजबूती से बरकरार रहती है, मजबूती से स्थिर रहती हैं। तीसरा है हार्मोन्स का निर्माण। जो जड़ें होती हैं वो पादप हार्मोन्स का निर्माण भी करती हैं, और ये जड़ें पादप हार्मोन स्रावित करती हैं, और यहाँ से ये जड़ से जो ये हार्मोन होते हैं तने और अन्य भागों में पहुँचते हैं, वहाँ इन तने और अन्य भागों की जो वृद्धि है उनको नियंत्रित करते हैं। अर्थात इनका एक प्रमुख कार्य हार्मोन्स का निर्माण करना भी होता है, जिन्हें हम केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं। चौथा होता है जल एवं खनिज लवणों का संवहन। अब जड़ों में
ट्रैकरी एलिमेंट, जाइलम के ट्रैकरी एलिमेंट्स में यानी कि ट्रैकीड्स और वेसल्स में, वाहिकाओं में जल के अंदर आने के कारण एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसे हम रूट प्रेशर कहते हैं यानी कि जल दाब कहते हैं। तो जल दाब का मतलब मूल दाब का मतलब क्या है कि जड़ों की ट्रैकरी एलिमेंट यानी कि ट्रैकाइड्स और वेसल्स के अंदर यानी कि उनके अंदर जल के आने के कारण जो एक पॉजिटिव प्रेशर, एक धनात्मक प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, मूल रूट प्रेशर यानी कि मूल दाब कहते हैं। रूट प्रेशर के कारण जो जल एवं खनिज लवण रूट के अंदर मृदा से आए हैं उनका ऊपर की ओर स्टेम और अन्य भागे की ओर संवहन आसान हो जाता है, उस प्रेशर की सहायता से वो ऊपर आसानी से चले जाते हैं। इसके बाद सेकेंडरी कार्य यानी कि द्वितीयक कार्य है क्या कि जड़ें जब रूपांतरित होकर प्राथमिक कार्यों के अलावा जो अन्य विशेष कार्य करने लगती हैं उन कार्यों को हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक कार्य बोलते हैं, और जिसमें सबसे पहला है भोजन का संचय करना। अब अनेक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो भोजन को संचय करने लगते हैं, जैसे मांसल जड़ें, गाजर है, मूली है, शकरकंद है, शलगम एट्सेट्रा, इनमें ये जो जड़ें होती हैं ये मांसल हो जाती हैं, मतलब मांस जैसी मोटी हो जाती हैं और ये भोजन को स्टोर करने लगती हैं। दूसरा है इनमें अतिरिक्त यांत्रिक सहारा प्रदान करना। अभी हमने पढ़ा सहारा प्रदान करना इसका मेन काम है, लेकिन कुछ प्लांट्स में इस मेन सहारे के अलावा भी ये एक्स्ट्रा सहारा, अतिरिक्त यांत्रिक सहारा प्रदान करने लगती हैं, जैसे अवस्थम्भ मूल स्टिल स्लिट्स रूट्स जो होती हैं वो मक्का गन्ना आदि में पाई जाती हैं जो बेस से निकलती हैं और उन बड़े प्लांट्स को वो सहारा प्रदान करती है, यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं यानी कि उनको गिरने से बचाती हैं। और कुछ प्लांट्स जैसे बरगद में स्तंभ रूप यानी कि प्रॉप रूट्स पाई जाती हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ निकलती हैं और उस जाइंट यानी कि बड़े बरगद के पादप को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। इसके बाद तीसरा है वातन यानी कि एरिएशन। अब जो दलदल व लवणीय क्षेत्रों में पादप पाए जाते हैं, जैसे राइजोफोरा है, वो दलदलीय और लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो लवणीय क्षेत्रों में जो मृदा होती है उसमें ऑक्सीजन या तो होती नहीं है या बहुत कम होती है, इसीलिए अब वो प्लांट्स ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो दलदलीय क्षेत्र हैं, लवणीय क्षेत्र हैं, उसमें जो ऑक्सीजन है या तो है नहीं, और अगर है तो वो बहुत कम होती है, जिसके कारण जो प्लांट है उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। इसके लिए उनमें विशेष अडेप्टेशन अनुकूलताएं पाई जाती हैं। जो नॉर्मल रूट्स होती है उनमें ऊपर की तरफ पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक यानी कि निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स विकसित होते हैं, कि जो प्रकाश की ओर प्रकाश अनुवर्तनी गति की करती हैं यानी कि वो ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण गति करती हैं, जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती हैं, और इन जड़ों को बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। इनमें माइन्यूट छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिनकी सहायता से ऑक्सीजन निकल कर नॉर्मल रूट में नीचे पहुंच जाती है, प्लांट में श्वसन आसानी से हो जाता है, अर्थात ये श्वसन करने में सहायता करती हैं, क्योंकि ये ऐसी भूमि पर पाए जाते हैं जहां पर दलदल होती है, लवणीय क्षेत्र होते हैं जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती या बहुत कम प्रेजेंट होती है। स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन मतलब प्रकाश संश्लेषी जड़ें। नॉर्मली जो रूट्स होती हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती, जड़ें प्रकाश संश्लेषण नहीं करती क्योंकि उनमें क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स जैसे ट्रापा यानी कि सिंगाड़ा और टिनोस्पोरा यानी कि गिलोय, इनकी अंदर रूट्स पाई जाती हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकती हैं, अर्थात स्वांगीकरण करती हैं, एसिमिलेशन करती हैं, अर्थात भोजन का निर्माण करने लगती हैं। इसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो फलीदार पौधे हैं, दलहनी फसलें हैं, जैसे दाल है, राजमा है, छोले हैं, चने हैं,
इनके अंदर नोड्यूल्स पाए जाते हैं, इनके अंदर गाँठें पाई जाती हैं, इनकी रूट्स के अंदर गाँठें पाई जाती हैं जिनके अंदर राइजोबियम टाइप के जीवाणु प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, जो वहाँ पर सहजीवी संबंध के रूप में रहते हैं और वहाँ पर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, फिक्सेशन करते हैं और बदले में इन्हें भोजन और सुरक्षा प्राप्त होती है। तो ये रूट्स नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करती है। इनके अंदर क्या होते हैं, गाँठें होती हैं, नोड्यूल्स पाए जाते हैं जिनके अंदर राइजोबियम नामक जीवाणु होता है और ये राइजोबियम जीवाणु यहाँ बैठे हुए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, अर्थात नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसके बाद चूषक के रूप में यानी कि हॉस्टोरिया के रूप में, जो अनेक परजीवी पादप है उनके अंदर हॉस्टोरियल रूट्स यानी कि चूषक मूलों का निर्माण हो जाता है, जो निकलकर होस्ट यानी कि पोषक पादप के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वो उसके फ्लोएम तक पहुंच जाते हैं और फ्लोएम से भोज्य पदार्थों का अपने अंदर लेने लगते हैं। अर्थात यहाँ पर जो रूट्स होती हैं वो चूषक के रूप में काम करने लगती है, हॉस्टोरिया के रूप में काम करने लगती हैं और भोजन ग्रहण करने के लिए पोषक यानी कि होस्ट के फ्लोएम तक पहुंच जाते हैं और फ्लोएम में पहुंचने के बाद वहां से भोजन का अवशोषण करते हैं, जैसे अमरबेल यानी कि कसकुटा में जो हॉस्टोरियल रूट्स पाई जाती हैं। इसके बाद जल प्लवन यानी कि संतुलन। अब अनेक प्लांट्स जो बेसिकली हाइड्रोफाइट्स होते हैं, उन जैसे जूसिया में जो जड़ें होती हैं वो वायु को संचित कर लेती हैं, अर्थात एयर स्टोर कर लेती हैं और एयर स्टोर करने से वो प्लवन तथा संतुलन बनाने में सहायता करती है, अर्थात वो हल्की हो जाती है जिससे वो ऊपर बैलेंस बनाने में हेल्प करती है, जिससे वो डूबता नहीं है और वो प्लवन में सहायता करता है और संतुलन में सहायता करता है। इसके बाद है जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। कुछ पादपों के अंदर जो जड़ें होती हैं वो जनन में भी सहायता करती हैं, उनका मेन काम के अलावा वो जनन में सहायता करती है। उन पर क्या होता है, कलिकाएँ पाई जाती हैं, बर्ड्स पाई जाती हैं और ये बर्ड्स जो होती है वृद्धि करके नए पादप का निर्माण करती हैं और इसका जो एग्जाम्पल है वो शकरगंध है और शीशम है। इसका एग्जाम्पल है शकरगंध और शीशम, डेलबर्जियो शीशम, शकरगंध और शीशम और परवल आदि में जनन जड़ों द्वारा होता है। इसके बाद अवलंबन यानी कि क्लाइंबिंग। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके तने बहुत कमजोर होते हैं, इसके कारण वो आसानी से ऊपर नहीं चढ़ पाते, इसके लिए उनके अंदर आरोही जड़ें उपस्थित होती हैं और ये आरोही जड़ें किसी भी सबस्ट्रेटम से, आधार से चिपक कर सहारा प्रदान करती है और उस प्लांट को ऊपर चढ़ने में, क्लाइंबिंग में सहायता करती है, जैसे पान में और मनी प्लांट में। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, पान और मनी प्लांट। पान और मनी प्लांट में क्लाइंबिंग रूट्स पाई जाती है, छोटी रूट्स होती है जो उसको क्लाइंबिंग में सहायता करती है, चढ़ने में सहायता करती है। इसके बाद हाइग्रोस्कोपिक यानी कि आर्द्रता ग्राही जड़ें। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली एपिफाइट्स होते हैं, अधिपादप कहलाते हैं। उन अधिपादपों में बेसिकली दो प्रकार की जड़ें पाई जाती है, क्लिंजिंग रूट्स, जकड़न रूट्स बोलते हैं जिनको, और एक हाइग्रोस्कोपिक रूट्स यानी कि आर्द्रता ग्राही जड़ें। इसके एग्जाम्पल है ऑर्किड्स, जो ऑर्किड्स होते हैं उनके सीड्स सबसे छोटे होते हैं, इनमें खास बात क्या है, और ये एपिफाइट्स होते हैं, अधिपादप होते हैं। अब अधिपादप है क्या, अधिपादप ऐसे प्लांट्स जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं लेकिन केवल सपोर्ट के लिए किसी अन्य पादप पर ग्रो करते हैं, अधिपादप कहलाते हैं। अधिपादप का मतलब, एपिफाइट्स का मतलब, ऐसे प्लांट जो प्रकाश संश्लेषी होंगे, अपना भोजन का निर्माण स्वयं करेंगे लेकिन केवल सपोर्ट के लिए वो किसी अन्य पादप पर उगते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अधिपादप कहलाते हैं। और ये ऑर्चिड्स होते हैं बेसिकली, ऑर्चिड्स जो होते हैं वो स्टैम्स पर ग्रो करते हैं, उसमें दो प्रकार की रूट्स होती है, जो स्टैम पर चिपकने के लिए होती है रूट्स, उनको जकड़ने के लिए वो क्लिंजिंग रूट्स, और कुछ रूट्स ऐसी होती है जो बाहर लटकी हुई रहती है, हैंगिंग रूट्स बोलते हैं इनको। और इन हैंगिंग रूट्स के अंदर विशेष टिश्यू होता है वेलेमन, और वेलेमन टिश्यू जो होता है इसके कारण ये
जो बाहर मॉइस्चर होता है यानी कि जो वाष्प होती है, जल वाष्प होती है बाहर की तरफ, उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं और प्लांट की पानी की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। क्योंकि ये ज़्यादातर क्या होते हैं, ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं तनों पर, जिससे ये ऊपर तक पहुंचकर लाइट ग्रहण कर सके, प्रकाश ग्रहण कर सके। इसलिए इनका जो रूट्स होती है, इनका जो संबंध होता है, वो मृदा से नहीं होता है। अब इसीलिए मृदा से ये जल अवशोषित नहीं कर पाती, इसीलिए इनमें विशेष रूट्स होती है, आदतग्राही जड़ें, जिसमें एक विशेष टिश्यू होता है वेलेमन, और इस वेलेमन की सहायता से ये जो वातावरण में जो जल वाष्प होती है, मॉइस्चर होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और अपनी पानी की आवश्यकता को ये कंप्लीट कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं और अपना जीवन यापन सरलतापूर्वक कर पाते हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।